बुधवार को मुगलसराय थाने का अपर पुलिस महानिदेशक ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में नए मैस का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने दफ्तर, कांस्टेबल बैरक, टॉयलेट, सीसीटीएनएस ऑफिस, महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक को जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि निरीक्षण के समय चंदौली के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के साथ सदर के अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी समेत दूसरे पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज मेरे द्वारा किया जा रहा है। कल मेरे द्वारा जो हमारा एनुअल इंस्पेक्शन था जनपद चंदौली का एनुअल इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें कि पुलिस लाइन, उनके ऑफिस और एक थाने का निरीक्षण किया गया। आज उसी क्रम में मेरे द्वारा थाना मुगलसराय का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। ये एक प्रत्येक साल होने वाली प्रक्रिया है। आज मेरे द्वारा जो यहाँ पर जवानों के लिए एक मैस बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया। जन सहयोग से एक बहुत ही अच्छा मैस यहाँ पर बनाया गया है, उससे कि हमारे जवानों को एक अच्छे एनवायरनमेंट में खाने का और मिलेगा। और इसके लिए मैं एसपी चंदौली को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जन सहयोग से कितना अच्छा कार्य किया और अब मेरे द्वारा यहाँ का खाने का इंतजाम। सर, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए क्या तैयारियाँ हैं, कैसे लिखेंगे आप लोग? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जनपद चंदौली में कल मेरे द्वारा सभी थानाध्यक्षों की, सर्कल ऑफिसर्स की और सभी अधिकारियों की मीटिंग की गई और इसके अंदर से विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए। अब इसके अंदर हम लोग प्रत्येक गांव को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पर विगत 5 वर्षों में 10 वर्षों में जो जो मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जहाँ पर तनाव की स्थिति है या जहाँ पर पूर्व में घटनाएँ घटित हुई हैं, उन गाँवों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसी क्रम में हाइपर सेंसिटिव और सामान्य गांवों की कैटेगरी बनाई जा रही है। गांवों के प्रत्येक विवाद को लिखा जा रहा है, उसके बाद जो सांप्रदायिक विवाद है उनको लिखा जा रहा है और इसमें उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि इस चुनाव के दौरान गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और उनके खिलाफ समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। और जो सूची भी बनाई जा रही है इस तरीके के, जो प्रत्येक गाँववार जो हमारे बीट के सिपाही हैं सूची बना रहे हैं और इस सूची और इस सभी चीज़ों का एक रजिस्टर प्रत्येक थाने के अंदर रखा जा रहा है और इन सब चीज़ों की अभी आने वाले समय में मेरे द्वारा पुनः समीक्षा की जाएगी। और जो भी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं कि जो ये जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उन पर सख्त से सख्त